ये लड़कियों की बातों में लग गई, हम मोबाइल चेक करने में लग गए। मतलब परिवार में किसी के पहली बार पहुंचो तो ऐसा होता है कि बातों में लग जाएं। जब हमने इनकमिंग आउट गोइंग चेक की, वाकई में रात की लंबी लंबी बिजी एक डेढ़ डेढ़ घंटे की कॉल। आगे ये हुआ कि जबरदस्ती हम उसको छत पे चढ़ा के ले गए, जीने पे खींच तान के। मतलब वो चढ़ नहीं रही थी, हमने गोद में उठा के जैसे तैसे ले गए, उस चारपाई पे लिटाया अपने साथ में। हमने सोचा चलो समोसे शायद सूट नहीं हो रहे हैं, छेना खा लें। तो एक कटोरी में चार थे, हमने चार छेना थे, तो हमने सोचा सर छेना खा लें पहले, बाद में रबड़ी पर नंबर लगाते हैं। इनके लिए सालों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसी हमारी प्लानिंग हुई सर। तो इसने अपने प्रेमियों से मिलकर सेटिंग कर रखी थी कि कैसी कैसी प्लानिंग करनी है, वो मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। नहीं, हमारी 5 जून को इसी 2022 में शादी हुई थी। उसके बाद में शादी के बाद में हम लोग प्यार से रहने लगे। वाइफ का नाम महिमा वर्मा है जी, जो कि शाहबाद के पास, शाहबाद के जो पाली रोड पर मुरीदापुर गांव पड़ता है, वहीं से एक आगमपुर होते हुए जमा गांव पड़ता है, जमालपुर रामपुर करके गांव पास ही में नगला खानपुर है जी जी। तो हमारी मैडम वाइफ शादी होने के बाद में महिमा वर्मा और ससुर का नाम जादू राम। वहाँ के लोग राजपूत लगाते हैं, हमारे क्षेत्र में इधर शाहजहाँपुर साइड में वर्मा लगाते हैं। तो 26 इसी 26 तारीख को हम गए थे हिमाचल प्रदेश, सबको कह रखा था। तो वहाँ काम से गए थे? हाँ, कंपनी की मीटिंग थी, प्रोग्राम हमारा। काम करते हैं आप? फूड सप्लीमेंट सर कंपनियों में, हम सभी के प्रोडक्ट बेचते हैं फील्ड पे जाके। फिर आगे क्या हुआ? तो सर वहाँ से हम एक लगभग मंगलवार की रात अपने वाइफ को फ़ोन लगाया, हमने सोचा देख लें कि सो रही है। ले गए थे आप? वाइफ नहीं ले गए थे? नहीं, वाइफ को नहीं ले गए थे, लेकिन और टीम के सारे लोग गए थे। अच्छा अच्छा। तो हमने फ़ोन लगाया, बिजी गया रात में, तो हालांकि हम थके हुए थे। तो हमने किस समय? करीब 12 या 1 के आसपास टाइम रहा। हाँ, अच्छा। तो वो लंबा बिजी गया, तो हमने उसे छोड़ दिया, भूल गए वहीं पे। तो बुधवार को वहाँ से हम निकले, करीब 2:30 बजे से कुछ कॉल नहीं किया आपने? नहीं, करते रहे, दिन में तो लगातार बात हुई एक सर, लेकिन जब ये पूछा नहीं कि रात 12-1 बजे किससे बात कर रही थी? ये वो उसने बताया कि रिश्तेदारों से बात कर रहे थे या किसी का फ़ोन आ गया उसने, तो मतलब बहाना समझा दिया। हाँ, मतलब हमें नहीं पता था कि ये क्या कांड होने वाला है। तो बुधवार को हमारी वहाँ से छुट्टी हुई, मतलब होटल से निकले करीब 2:30 बजे से कुछ मिनट पहले। अच्छा। तो ऐसे ही रास्ते में अक्सर एक दो बार इससे बात हुई, तो रात को भी हमने फ़ोन लगाया कई बार। तो ये हमसे कहती रही कि तुम सोने नहीं देते हो रात में, हमारी वाइफ। अच्छा। और परेशान करते हो, दिन में भी काम करें रात में भी ना सोएं, आप सोने नहीं देते हो। हमने कहा कोई बात नहीं, सो लो। अच्छा, हमें इस पर शक होने लगा। अच्छा। तो हमने तुरंत 2 मिनट बाद ट्राई मारा फ़ोन, तो लंबा बिजी गया। तो हमारे जो साथ में साथी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन किसका बार बार लगा रहे हो, इतना लंबा बिजी जा रहा है। हमने कहा है तो घर का ही। बोले घर का है या वाइफ का? तो उन्होंने मजाक बनाना चालू कर दिया कि वाइफ का है लगता है, अलग कहीं सेटिंग है। अच्छा। तो हमने कहा शर्मा गए, मतलब कई बार मैसेज मारा जो साथ में बैठे थे, हमने उनसे कहा कि आप लगाओ, तो उनने लगाया, उनका भी बिजी गया। तो उनने मैसेज मारा कि कुलदीप जी कहाँ बिजी हो और अर्जेंट बात करनी है, तो इसका फ़ोन खाली हुआ। और 2 मिनट उससे बात हुई, तो हमारी वाइफ से उनकी सर की बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वो कुलदीप का दूसरा नंबर है, वो वाला लगा लो। अच्छा, हम तो साथ ही में बैठे थे। अच्छा, उसी रात को बृहस्पतिवार को सुबह हम जल्दी शाहजहाँपुर आ गए। अच्छा, पानी बरस रहा था, हम हैंड वॉच बांधे हुए थे, रिंग पहने हुए थे, ससुराल की मिली हुई हैंड वॉच जो थी हमारी खुद की खरीदी हुई थी। तो हमने अपना पर्स, जूते, बैग, जो कुछ भीगने वाला सामान था वहीं छोड़ दिया, केवल अपनी बाइक और रिंग पहने रहे। हमने इसको 2-3 दिन पहले बता रखा था कि मतलब वहाँ चलेंगे। तो इसने अपने प्रेमियों से मिलकर सेटिंग कर रखी थी कि कैसी कैसी प्लानिंग करनी है, वो मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। मतलब प्रेमी कोई उसकी, आपको लग रहा है कि उनका कोई अफेयर चल रहा था किसी? नहीं, पहले नहीं पता था, केवल अनुमान लगा रहे थे। जो हमारे साथी लोग थे उन्होंने ये कहा कि ऐसे शक मत करना, इसका जो सिम है पोस्ट पेड करा दो, जिसका बिल आता है, तो बाद में जब बिल आएगा तो मालूम पड़ जाएगा किससे किससे मतलब बात हुई, कितने कितने टाइम तक हुई, फिर आप इससे पूछना। लेकिन हमने बृहस्पतिवार को बोल रखा था कि ससुराल चलेंगे, हम थके थकाए थे, थोड़ा सो गए, तो टाइम का अनुमान नहीं लगा, क्योंकि बादल भी थे, घर में घड़ी नहीं थी। और जो उसका फ़ोन उस दिन रात में हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई सर, तो लाइट ख़राब होने के बाद में इसका फ़ोन डाउन हो गया। तो इसने कॉल डिटेल, जो कॉल रिकॉर्डिंग या इनकमिंग आउट गोइंग डिलीट नहीं कर पाया। तो वो जियो फ़ोन था सर, वो छोटा वाला। तो घर से प्यार से निकले, मतलब किसी से हमने कुछ कहा नहीं, हमने अपने दोस्तों में ये बात रखी। तो बोले अभी जल्दी शादी हुई 5 जून को, दिन ही कितने हुए, धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, कोई मतलब आए नया नया तो एकदम समाज से व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो अपनी बाइक हमारी जो शाहजहाँपुर खड़ी थी, बैग वैग सब हमने वहीं छोड़ दिया, भीगने वाला सामान अपनी बाइक से आए, और बाइक से लेके पहुँचे तिवलक के पुल पे। तो वहाँ पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, तो एक हमारे मित्र हैं, उनकी छोटी बहन भी आई हुई है वहाँ सर। अच्छा। तो हमने गाड़ी वहाँ के लिए घुमा दी, सीधे सीधे स्पीड में जाके उसके बरामदे में रोकी, क्योंकि भीग ना जाएं। तो वहाँ लड़कियों ने पूछा कि भैया पहले तुम हमारे यहाँ आए थे, ये माथे पे टीका लगाए हुए थे जो सोने का होता है, आप लोग समझ सकते हैं सोने का,
तो टीका लगाए हुए थी, आज क्यों नहीं लगाए हैं? तो हमने पूछा टीका कहाँ है। वैसे तो ये हार भी पहने रहती थी जो मतलब शादी पार्टियों में अक्सर पहना जाता है, डेली यूज का नहीं होता है। तो हार की कोई चर्चा ही नहीं चली। उन्होंने टीका पूछा तो हमने इससे पूछा अपनी वाइफ से, तो बोले टीका तो हमारी पर्स में है। तो हमने कहा लड़कियां वहाँ की बोल रही, परिवार के लोग बोले कि रास्ते में जा रहे हो और ससुराल जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, टीका पहना लो। तो हमने प्रेशर बनाया तो उसने टीका पहन लिया। अच्छा, फिर जहाँ हमारी बैग वैग रखी थी उसी दिन हमें सर्विस के लिए गाड़ी जमा करनी थी, और तिलक में जब हम पहुँचे थे तभी लाइट आ गई। जब लाइट आ गई तो इसने हमसे कहा, हमारी वाइफ ने, कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। तो हमने लगा दिया। अच्छा, हमें शक तो था कि मोबाइल का डाटा हमें चेक करना है, तो हमने मोबाइल ऑन किया। ये लड़कियों की बातों में लग गई, हम मोबाइल चेक करने में लग गए। मतलब परिवार में किसी के पहली बार पहुंचो तो ऐसा होता है कि बातों में लग जाएं। जब हमने इनकमिंग आउट गोइंग चेक की, वाकई में रात की लंबी लंबी बिजी एक डेढ़ डेढ़ घंटे की कॉल और रिकॉर्डिंग सहित आज भी मेरे पास मौजूद है। आप सुनना, नंबर से बात होती थी उस नंबर पर आपने दोबारा कॉल करके जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रही है, क्या है? मौका नहीं मिला सर, हम थके हुए थे। तो हमने हमारा प्लानिंग था कि सिम पोस्ट पेड में कराएंगे, तो वो फ़ोन जो था हमने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया तुरंत, और तुरंत हमने दूसरी जगह रख दिया। सुमित्रा हीरो के यहाँ हमने अपनी गाड़ी जमा कर दी सर्विस के लिए। फिर ऑटो से निकले हम बरेली मोड़ से गए हरदोई बाईपास। अच्छा, इसने हमसे ये कहा था कि शाहबाद में कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी वाइफ ने बोला। हमने कहा रिश्तेदार है, चलो हम भी चाय पीते चलेंगे। और ससुराल के लिए फ़ोन कर दिया था कि हमें आप लोग शाहबाद से रिसीव कर लेंगे अपनी बाइक से, क्योंकि हमने अपनी जमा कर दी है जमसी पे। वो लोग इस बात पे सहमत हो गए। जब शाहबाद में पहुंचे अल्लाहपुर तिराहे पे तो एक लड़का मिला, पहले से एडवांस खड़ा हुआ, पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग थी। अच्छा, ये बस पे जो हम रोडवेज से बैठ गए हरदोई बाईपास से शाहबाद तक रोडवेज थी, इसने हमारे पास से फ़ोन लिया और उनको मैसेज कर दिया कि हम आ रहे हैं और घर पे भी आएंगे। कितना पढ़ी लिखी है आपकी वाइफ? सर, उसके बताने के अनुसार बीएससी कर रही है, श्रीमती महिमा वर्मा। तो जब हम वहाँ पहुँचे रूम पे, देखा वो रूम ना कोई रिश्तेदारी सा नजर आ रहा ना कुछ। अच्छा सर, हमने देखा कि वहाँ नाश्ता की कुछ क्वालिटी ही अलग थी। एक प्लेट में उन्होंने रबड़ी सजा के रखी थी और एक कटोरी में चार छेना थे और एक पॉलीथीन में कुछ समोसे थे जो कि हमने गिने नहीं। तो हमने सबने निकाले। पहले तो वो बोले कि समोसा खा लो, प्लेट में निकाल लो, हमारी वाइफ बोली। तो हमने कहा प्लेट में क्यों, यहाँ रूम पे हैं, कोई ना फंक्शन है ना घर है ना कोई कैमरा चल रहा है, पॉलीथीन से खा लेते हैं। तो हमने वाइफ की तरफ बढ़ाया, हमने कहा पहले तुम खाओ यार। तो बोली तुम्हें ही खाओ, हम जो समोसा वमोसा ना खा। तो हमें गुस्सा थोड़ी आएगी सर, गुस्सा आ गया सा। तो मतलब हमने कहा कि चलो तुम नहीं खाओगे तो हम तो खाएंगे, भूख लगी यार सुबह के, ऐसे भी उल्टे सीधे चले आए। तो हमने दो समोसे खाए, खाते ही खाते में चक्कर सा आया। अच्छा, तो हम कन्फ्यूज वाला हो के आ गया। हमने अपनी वाइफ महिमा वर्मा से कहा भी, हमने कहा महिमा जी यार पता नहीं क्या चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। हमने कहा अजीब ऐसा लग रहा है अगर हमसे कोई प्रश्न करे कि तुम्हें डॉक्टर कुलदीप जी क्या दिक्कत है, तो हम बता नहीं पाएंगे, सिर में दर्द है या चक्कर आ रहा है, ऐसा हम आप बेहोश हो रहे हैं इस टाइप का कुछ लग रहा नहीं था। पता नहीं हमें लगा कैसा, तो हमने सोचा शायद नींद भी नहीं आई सर। तो उसके बाद में हुआ ऐसा कि हमने सोचा चलो समोसे शायद फूट नहीं हो रहे हैं, छेना खा लें। तो एक कटोरी में चार छेना थे। तो हमने सोचा सर छेना खा लें पहले, बाद में रबड़ी पर नंबर लगाते हैं, इनके लिए सालों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं ऐसी। लेकिन हमें क्या मालूम था कि अब विस्फोट होने वाला है, वो तो रिश्तेदारी कह के ले गई। फिर भी रिश्तेदारी सी लगी नहीं, फिर भी हमने उन पर शक नहीं कर पाया। तो शादी की पहली बार जा रहे थे आप ससुराल? शादी के बाद नहीं, एक बार चौथी के दिन विदा कराने गए थे, उसके बाद में दूसरी बार जा रहे थे सर। हाँ, वाइफ साथ में थी, एक बैग जो हम हिमाचल प्रदेश से लौटे थे। वो आपने जो है रसगुल्ले खाए? फिर हमारा दिमाग कन्फ्यूज हो गया, फिर बातें टाल दी, फिर हम छत पर घूमने चले गए वो सारा कुछ छोड़ के। अच्छा, ये हमारे पास बैठने को तैयार नहीं, खाना भी बना, खाना इन लोगों ने खाया, हमने सर खाना भी नहीं खाया। अच्छा, इनकी वीडियो फ़ोटो हम हर जगह के लेते रहे, हर जगह की मतलब ऐसी मेरी स्टाइल है, कहीं चले तो फ़ोटो ले लिया, कहीं वीडियो ले लिया, ऐसा हम बनाते रहे, वो सारा कुछ मेरे पास आज भी है। तो ये लड़कों के करीब फिर हम गुस्सा आ गया इसकी आदत को देख के, फिर हम छत पर लेट गए, क्योंकि उन लड़कों ने हमारी चारपाई डाल रखी थी सर छत पर, और उस पर दरी बिछा दी, तकिया लगा दी और बढ़िया सा चादर रख दिया, हम उस पर लेट गए। अच्छा, इसे नीचे करीब 20-25 मिनट हो गए, तो हमें गुस्सा आया, हमने सोचा साला लड़कों के बीच में और रिश्तेदारी। लेडीज़ नहीं थी? नहीं सर, सिर्फ जेंट्स ही थे। हाँ, चार लड़के थे? चार सर, चार लड़के थे। एक का नाम मालूम है, एक का नाम अनुज है, बाद में पता चला कि उसके पापा का नाम अशोक कुमार है, जब पुलिस कंप्लेंट हो जाने के बाद में, वो अगले तीसरे दिन की बात है सर। तो सर उसके बाद में हमें गुस्सा आ गया, हमने सोचा वाइफ है लड़कों के बीच में रह रही है, थोड़ा तब हमें डाउट हुआ सर।
तो हम लड़कों के बीच में आके, अच्छा तीन लड़के बाहर तख्त पड़ा था गेट पे रूम के बरामदे में, उस पर बैठे, एक अंदर बैठा, उसके ऊपर ये हाथ के ऊपर हाथ रखे बैठी, तब हमें पूरा डाउट हो गया, तब हमें डर भी लगा, हमने सोचा मोहल्ले के बीच में रूम है, होगा वो देखा जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पैना पास ही में पड़ता है, वहाँ का हमारा दोस्त जो है हमारे साथ पड़ा हुआ, उसकी ससुराल है इलाहाबाद में, उसको हमने कॉल किया तो भाभी जी ने उठाया, हमने पूछा भाभी जी कहाँ हो, बोले हम तो घर यहाँ पैना में हैं। फिर आगे क्या हुआ जब आपने देख लिया उनको? सुनिए तो, हाथ रखे हुए, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जबरदस्ती हम उसको छत पे चढ़ा के ले गए, जीने पे खींच तान के, मतलब वो चढ़ नहीं रही थी, हमने गोद में उठा के जैसे तैसे ले गए, उस चारपाई पे लिटाया अपने साथ में। सर दो तीन मिनट लेटा, ये चिल्ला पड़ी कि मतलब ऐसा लगा कि बीमार हो बहुत खतरनाक तरीके से। अच्छा मोहल्ले रोने लगी जोर जोर से, मोहल्ले वालों ने भी संभवतः सुना होगा, और रात का टाइम हमें लगता है संभवतः 11 या 10 के आसपास रहा होगा, वो हम टाइम देखने में कन्फ्यूज रहे, अगर हम डाटा ढूंढें तो मिल जाएगा। आ रही थी क्या कह रही थी? समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या इसे प्रॉब्लम क्या, ऐसा लग रहा था कि फिजिकल कोई प्रॉब्लम, चिल्ला रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। तो हमने तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस वाले ले गए। अच्छा लड़के हमारे साथ में छेड़छाड़ करने लगे, बोले तुम महिमा को नहीं ले जाओगे हॉस्पिटल, ये ज़बरदस्ती करने लगे, हमारा हाथ भी हाथा पाई हुई हम लोगों में। तो हमने कहा हमारी वाइफ बीमार है, और तुम लोग कह रहे हो कि कहाँ ले जा रहे हो, भर्ती नहीं कराएंगे क्या, मतलब जो डॉक्टरों का प्रोसेस होगा वो करेंगे। अच्छा तब हमने उन्हें धमकाया, मतलब धमकाया नहीं, हमने उनसे कहा कि हमारी वाइफ भी बीमार है, तुम लोग ले जाने नहीं दे रहे हो। हमारी वाइफ है, हम ले जाएं कुछ भी करें आगे। फिर तो हमने उनसे कहा कि अगर नहीं ले जाने दोगे तो हम 112 कॉल करेंगे, अभी पुलिस आएगी। तो वो उन्होंने मेरा रास्ता खाली किया, अच्छा वाइफ हमारे साथ में जाने को तैयार नहीं, वो अब साथ जाने को नहीं। हाँ तो हमने लड़कों से रिक्वेस्ट की, हमने कहा यार दो लोग यहाँ रुक जाओ और दो लोग हमारे साथ में चलो एम्बुलेंस पे, तो दो लोग हमारे साथ में चले गए। अच्छा बैग को हमने वहीं छोड़ दिया, तो बैग को जब हमने छोड़ दिया तो रात भर रहे, और डॉक्टरों ने बोतल लगाई, डॉक्टर टीम के भी समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या, हम भी पूछ रहे, सब पूछ रहे, बता रही थी कुछ नहीं बता रही थी, सिर्फ रो रही थी तेज तेज बहुत खतरनाक तरीके से, और कुछ नहीं बता रही, और तुरंत हाँ और कुछ नहीं बता रही थी सर। तो हमने ससुराल को भी फ़ोन कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया उसका बेड का फोटो खींच के बोतल लगे हुए कि हमारी कोई मदद करो तत्काल, हम अकेले हैं, कोई चारों तरफ रिश्तेदार नज़दीक में भी नहीं है, तो फेसबुक आप हमारा चेक कर सकते हैं। अच्छा अगली सुबह इसकी मम्मी आ गई, अच्छा जो जेवर पहन के गई थी हमें नहीं पता है कितना ये बैग में भर के ले गई घर से, कितना पहन के गई, हमें केवल टप्स और टीका दिखा, हार का उस जब घर से निकले तभी हमने फोकस नहीं किया, लेकिन जो हमने रास्ते में फ़ोटो खींचे वो हमें नज़र नहीं आया, मतलब जब हम बाइक जमा करके ऑटो पे गए थे तो उसके फ़ोटो खींचे, उसमें हार नहीं है सर। जल्दी जल्दी बताइए, अंधेरा हो रहा है। कोई बात नहीं सर प्लीज़। तो ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, और पता नहीं उन लड़कों ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से क्या साठ गांठ कर रखी, डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करने का आदेश दे दिया कि बोले आप नहीं रुक सकते हो, आप लोग जाओ, तुम्हारे साथी भी साथ में। तो हमें पूरा डाउट तो हो ही चुका था, तो हमने 112 की मदद ली, 112 पुलिस आई और सबको समझाया बुझाया, इसे डांटा भी। जब ये बेडरूम से भाग रही थी उसके मेन गेट के सामने CHC इलाहाबाद से, तो हमारी हाथापाई में इसको हमने पकड़ा, भागने नहीं दे रहे थे, तो इसकी चूड़ी टूटी और इसकी कलाई में भी चुभी सर। तो पुलिस वाले आके समझा बुझा के चले गए, रात भर हमें रुकने की इजाज़त नहीं। हॉस्पिटल से ही पुलिस को फ़ोन किया? हाँ हॉस्पिटल से ही किया। अच्छा, और वो लड़के डायल को या 102 नंबर या किसी थाने 112 यूपी पुलिस। अच्छा। तो सर वो लड़के रात भर चक्कर लगाते रहे हॉस्पिटल में, और हम मतलब हमने सोचा बीवी बीमार है, हम उसमें ही कन्फ्यूज। अच्छा उनने फिर लड़के ने फ़ोन किया कि तुम्हारे बैग हमारे रूम पर रखे हैं, तो हमने कहा यार तुम्हें कोई दिक्कत हो तो दे जाओ आके, तो वो बैग दो लड़के देने आए वही। उसके बाद में ये सर बैग देने के बाद में फिर मेरा चश्मा छूट गया, तो उन लड़कों ने फ़ोन किया कि आपका चश्मा छूट गया इसका क्या करें, हमने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी दे जाओ आके, तो वो भी दे गए। सवेरे तक जो जेवर हॉस्पिटल में पहने थी वो भी गायब हो गया। फिर इसकी मम्मी आई, अच्छा ये बात हमने तब तक खोली नहीं कि क्या कांड है, इसकी मम्मी के सामने भी नहीं कहा। तो हमारी पास में दीदी हैं ब्याही हुई चंदगोई गाँव में, फिर इसकी मम्मी को ज़बरदस्ती सास, मतलब इसकी मम्मी और मौसा आए बाइक से, और हमारे भी एक मित्र पहुंच गए बाइक से ये सुनकर हमारा फेसबुक या कुछ भी देख के। तो हम नहाने को थे यार सुबह के करीब, काफ़ी लेट हो चुके थे, तो लेट हो चुके थे। जब हम अपनी दीदी के यहाँ आए तब हमने सारी बात खोली, हमने कहा ये देखो ये कॉल रिकॉर्डिंग किसकी हैं, ये वीडियो कौन किन लड़कों के हैं जो हमने उसके कमरों में बनाए, तब सारा बात खुला, तब पूरा हंगामा हुआ सर। फिर हमने कहा अभी तो ले जाओ, फिलहाल हम बाद में लेने आएंगे, ऐसा ऐसा कांड हुआ। कहाँ है आपकी वाइफ? अभी अपने मायके में है सर। तो सर उसी दिन फिर हमने अपने घर पे आके रूम पे चेक किया, चाबी खोल के, मतलब ताला वाला घर से तो कुछ नहीं गायब है, लेकिन घर से सर कीमती सामान हमें कुछ नहीं मिला जो हमारे घर पे रखा था। जेवर एवर तो था वो ले गई? हाँ जेवर एवर ले गई। कंप्लेंट वगैरह हुई क्या? हाँ फिर अगले दिन शायद बृहस्पतिवार को एक कांड हुआ, शुक्र बृहस्पतिवार को हम घर आ गए,
हमें कन्फ्यूजन सर थोड़ा बताने में, फिर हमने उन लड़कों के कमरे के पास जाके पुलिस कंप्लेंट आपकी तरफ से की गई या लड़की की तरफ से? हमारी तरफ से सर। आपने की? हाँ, कंप्लेंट में क्या लिखा आपने? सर लिखा नहीं, हमने 112 को कॉल किया था कि हमारा मतलब उन लड़कों को लिखित कंप्लेंट नहीं दी आपने? नहीं सर, अभी नहीं दे पाई। ससुराल में जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई आपने सास से या अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे, क्या बातचीत करके क्या बताया? सर जिसके घर से इतना सामान चोरी हो जाएगा वो तो वैसे ही मेंटल हो जाएगा सर। हमारी वही प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो रखी है। तो सर हमने घर आके चेक किया तो एक इंडक्शन रखा था जो जिसपे खाना आना बनाते हैं, 3,000 रुपये। हमने दो खरीदे थे एक साथ में, एक शादी में देने के लिए घर के लिए, वो भी हमारा घर से गायब है। और जो हम रिंग पहने हुए थे, मतलब हमारी आदत थी कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी लड़की का पक्ष ले रहे हैं या आप कुछ कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? सर अभी हम कन्फ्यूज हैं, अभी कुछ भी फैसला नहीं हो सका है। हालांकि जब हम बातचीत हुई आप लोगों की, सर अभी हम इतना परेशान हैं कि कुछ करने के लायक नहीं है। अच्छा। जब डायल 100 को हमने उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए बुलाया था तो दोनों लोग थाने ले गए, हमें भी उस लड़के वो भी मौके से आ गया था, उसकी वीडियो बनी हुई है मेरे पास। जो अपनी आपने अपनी ससुराल वालों को बताया, आपने अपनी ससुराल वालों को बताया कि लड़की किसी और से बात करती है, देर रात तक इसका मोबाइल फ़ोन बिजी जाता है, तो ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था? सर उनका कहना था कि लड़की हमारी दिक्कत है, उसकी झाड़फूंक कराएंगे किसी तांत्रिक के पास ले जाके, ऐसा वो लोग कह रहे थे। अच्छा, बाकी ये चीज़ नहीं कबूली कि यहाँ कोई समस्या, मतलब ये किसी और से बात करती है कुछ, ऐसा कुछ नहीं? सर जब हमने उनकी कमरे की तलाशी लेने के लिए 112 बुलाया था तो उस लड़के ने ये कबूल किया कि हाँ महिमा से 4 साल से अफेयर है मेरा और हम एक दूसरे को दिलोजान से चाहते हैं। फिर थाने में बैठ के काफ़ी बातचीत हुई, हमारे परिवार के पापा गए थे, उस लड़के के भी पापा आए, हमारी मैडम का पूरा परिवार, मम्मी पापा और मतलब जो भी उनके रिलेशनशिप हों, काफ़ी करीब 30-40 लोग आए थे थाना शाहबाद में, कोतवाली शाहबाद में। अभी आप आगे क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? सर हमें अभी परिवार में जाके सलाह लेंगे, हम तो कंफ्यूज हैं सर, अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है, आप बताइए प्लीज।